Hello guys, welcome to our channel. Guys, you all are music lover, and for making you to the inspiration, we are here, the Brassica Music. आइए सबको मेरा नमस्कार. और हम लोग आए दिन कुछ न कुछ भजन सीख रहे हैं, और आज एक और भजन हम सीखेंगे. और सर्च करना आप लोगों को आता है, संगीत सरगम कैसे निकालना है, मैंने दिया है पहले वीडियो में. और उसको समझने के बाद में जो जो नोटेशन दे रखा है सरगम में, वो सरगम देखते हुए आप लोग उसको बजाएंगे. और वैसे भी मैंने सारे वीडियोस में एक एक करके मैंने फिंगरिंग किसे दिया हुआ है, कौन सा फिंगरिंग लगानी है और कैसे इसको सजाना है सरगम को शब्द में, तो इस तरह से सीखेंगे. और बड़ा सरल तरीके से मैंने इसको बताया है और आपको समझ में आता है, तो अच्छी बात है कि मेरा उद्देश्य है कि आप तक मैं भगवान का नाम गाने का ये सब पहुंच जाए करके मैंने इस उद्देश्य से इसको किया है. और ये जन जन में जाए इसके लिए सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया होगा, और नहीं किया है तो आप लोग कर देना और शेयर भी करना, जिससे कि सब लोग इसको सीख सके, है ना. राधे राधे. आइए अब हम लोग सीखने के लिए तैयार रहते हैं. आइए सबसे पहले हम डी शार्प को सा मान करके इस भजन को सीखेंगे. और इसमें डी शार्प ये माइनर का है. सबसे पहले हम जैसे कि नोटेशन के हिसाब से सीखते आ रहे हैं, उसी प्रकार से सबसे पहले S1 को हम तैयारी करते हैं. आइए, डिस्प्ले में S1 आया होगा. तो डी शार्प को सा मान करके पहले ये सा हो गया, उसके बाद में रे है, उसके बाद में कोमल गा है, फिर प है, फिर म है, नहीं प है, फिर म है ना, और उसके बाद में फिर ग है, फिर रे है. तो आइए. सांवली सूरत पे मोहन, हन के बाद में हन अलग से आएगा, है ना. एक बार और करता हूं मैं. सांवली सूरत पे मोहन, ये S1 तैयारी हुआ. उसी प्रकार से हम S2 में प्रवेश करते हैं. रे ग म ग रे, फिर कोमल नहीं ये हो गया मंद सप्तक का, फिर सा है. अब इसको हम शब्द में इसको सजाते हैं. रे में दिल बोलना है, कोमल ग में दी बोलना है, म में वा बोलना है, वा के बाद में आ स्पेशल ग में बोलना है ना. इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको समझाते आ रहा हूँ, अगर इसको करते हैं. दिल दीबाना हो गया, ये S2 तैयारी हुआ. अब मैं एक बार S1 और S2 को एक साथ गा करके मैं आपको बताऊंगा. सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया. इस प्रकार से S2 S1 ये हमारे दोनों तैयारी हो गए. अब आइए हम फिर S3 में प्रवेश करते हैं. प म ग म प म, प में दिल दीवा बोलना है, फिर आ स्पेशल बोलना है म में, फिर ना बोलना है ग में, फिर आ ना का आ होता है म में, हो गया में प में, फिर रा म में. दिल दीवा ना हो गया मेरा, एक बार और. दिल दीवाना हो गया मेरा, S3 हो गया. अब आइए हम S4 तैयारी करते हैं. ये धा हो गया, ये कोमल नहीं, ये सा हुआ, फिर कोमल नहीं, फिर धा, फिर डायरेक्ट म, म के बाद में प, फिर म, फिर प, फिर ग, फिर म, फिर प.
दिल दिल दीवाना हो गया है ना, या ये सेट करना है एक बार, दिल दीवाना हो गया, इस प्रकार से ये S4 तैयारी हुआ। अब आइए मैं S3 और S4 को एक साथ आपको गा करके बताता हूँ। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, इस प्रकार से हुआ। अब ये मैंने बड़े विस्तार के साथ आप लोगों को बताया, ताकि जितने भी अब हम गाएंगे आगे नोटेशन तैयारी करेंगे वो सब इसी के अनुकूल होगा। जैसे मैंने S1 गाया, S2 गाया, S3 गाया, S4 गाया, तो S3 S4 ये अंतरे के तौर पे आएगा, है ना। और इसमें एक और चीज़ है, जो S4 है वो S4 का हो गया ये किया है, तो दोबारा जब आपको जो हो गया है वो जब नीचे की स्थाई की ओर आना होता है तो दूसरा हो गया आएगा, जो पहले S4 में जो नोटेशन में हो गया जो लिख के दिया था उसको हटा करके इस वाले हो गया को लगाना है, जो कि अभी डिस्प्ले में आ रहा होगा। जैसे कि पॉ में है हो गया, है ना, हो गया, पॉ में फिर म में या, हा, 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 एक साथ हो गया, कब, जब S4 में जो पहले वाला नोटेशन गाएंगे दिल दीवाना हो गया पहले वाला लगा रहे, फिर दोबारा जब स्थाई में आएंगे तो फिर वही वाला करेंगे, है ना। दिल दीवाना हो गया ये पहले वाला हो गया, अब दूसरा वाला हो गया कैसे आएगा, दिल दीवाना हो गया, इसको जोड़ना है, पहले वाले जोड़ना है, फिर आपका सां वाले सूरत पे ये आपका प्रारंभ होगा। अब आइए इसी प्रकार से फिर अब वही S3 और S4 जो अंतरे की तौर पर हम सीखेंगे, जो S3 S4 लगेगा अंतरे में, पहले वाला अंतरे हम करते हैं S3 का नोटेशन में, जो पहले S3 का नोटेशन था सरगम, यही सरगम इसमें लगेगा। एक तो तेरे, ठीक है ना, एक तो तेरे नैन तिरछे, है ना, ये हुआ। अब आइए हम S4 तैयारी करते हैं। दूसरा का जल गा, ठीक है ना, जो दूसरा काजल लगा S4 में, जैसे मैंने पहले बताया था दिल दीवाना हो गया में पहले वाला अलग था और हो गया पिछले वाला अलग है, इसी प्रकार से जल लग गया, जल लग गया, आधा जल है, जल लग गया में आपको जो दूसरी वाला जल लग गया लगाना होगा जब आपको स्थाई में जाना होता है, जैसे कि अभी आपका बोर्ड में आ रहा होगा, जल लगा जल लगा, एक ही में आएगा, जो पहले का नोटिसर का सरगम में ये डालना होगा, प म ग रे सा, जल लगा। अब कैसे मैं बताऊंगा, दूसरा का जल लगा, पहले वाला लगा, दूसरी वाला जल लगा, इस प्रकार से आपका ये हुआ, है ना। अब ये अंतरा तो हुआ, अब आइए स्थाई में S1 S2 जो पहले तैयारी किया था वही हम करते हैं। S1 में जैसे सां वाली सूरत पे मोहन, जो S1 नोटेशन था उसी का अब यहाँ पर शब्द अलग है, नोटेशन वही है, तीसरा नजरे मिलाना, एक बार और, तीसरा नजरे मिलाना,
ठीक है, फिर वही एस टू पहले का आएगा, दिल दिल दीवाना हो गया। इस प्रकार से हमने पहले अंतरा तैयार की। अब आइए हम फिर दूसरे अंतरा में प्रवेश करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले एस थ्री आएगा, है ना। एस थ्री को अंतरा माना गया है। अलग भजन के, सब भजन के नोटेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें जो भजन में जो तरीका है वो बता रहा हूँ मैं, कि अब एस थ्री जो है वो अंतरे में आएगा, जैसे पहले बताया मैंने। एक तो तेरे होंठ पतले, एक बार और, एक तो वो आना है, तेरे होंठ पतले। अब एस फोर में दूसरा लाली लगी, ये लगी। अब सेकंड में लगी ली लगी, ली लगी अलग आएगा, है ना। दूसरा लाली लगी, डिस्प्ले में आ रहा होगा दूसरा भी नोटेशन, है ना। ली लगी अलग कर लगाना है। अब आएगा आपका पुनः स्थाई। अब स्थाई में क्या है, एस वन और एस टू है। एस वन का जो शब्द अलग है, एस टू सेम है। आइए एस वन को हम तैयारी करते हैं। तीसरा तेरा मुस्कुराना, ठीक है, एक बार। तीसरा तेरा मुस्कुराना, फिर दिल, वो इस एस टू आएगा, दिल दीवाना हो गया। इस प्रकार से हमारा जो है दूसरा अंतरा भी हो गया। अब आइए हम तीसरे अंतरे में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले एस थ्री रोटेशन डिस्प्ले में आया होगा। एक तो तेरे हाथ कोमल, है ना, ये एस थ्री हो गया। अब आइए एस फोर तैयारी करते हैं। दूसरा मेहंदी लगी, है ना, दी लगी, ये अलग आएगा दूसरी बार में, है ना। जैसे दूसरा में, अब दी लगी, दी लगी, अलग से दिया होगा नोटेशन आपके डिस्प्ले में। इसको जोड़ना है, पहले दी लगी अलग होगा और दूसरे वाला दी लगी ये वाला जोड़ना है, तो स्थाई में आ गया। फिर हम अब एस वन तैयारी करते हैं, पहले वाला। तीसरा मुरली बजाना, है ना, ये एस वन हो गया। फिर पुनः फिर वही दिल दीवाना हो गया, एस टू का पहले वाला आएगा। अब आइए हम एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, अब चौथे नंबर अंतरा करते हैं तैयारी, जिसमें कि सबसे पहले एस थ्री आएगा। एक तो तेरे पाव नाजुक, दूसरा पायल बधी, है ना, यल बधी। अब दूसरे इसी में ही दूसरा वाला नोटेशन आएगा, है ना। यल बधी पहले वाला ये हो गया, अब दूसरा वाला दूसरा पा यल बधी। इस प्रकार से एस फोर तैयारी हुआ। अब आइए मैं इसको एक साथ गा के दिखाता हूं। एक तो तेरे पाव नाजुक, दूसरा पायल बधी। दोबारा, फिर एक तो तेरे पाव नाजुक, फिर दूसरा पायल बधी। इस प्रकार से हुआ। अब आइए पुनः एस वन तैयारी करते हैं। तीसरा घुंघरू बजाना,
ठीक है, ये आपका S1 तैयारी हुआ, फिर S2 पहले वाला आएगा, दिल दीवाना हो गया। अब आइए हम पांचवा नंबर अंतरे पे हम प्रवेश करते हैं। एक तो तेरे भोग छपन, अब S4, दूसरा माखन धरा, है ना, ये S4 हुआ। और दोबारा जो खन धारा में अलग सा नोटेशन आ रहा है जो डिस्प्ले में, खन धारा, वैसे कि दूसरा माखन धारा, इस प्रकार से होगा। अब आइए फिर मैं S4 जो है ना, इस अंतरे को एक साथ गा के दिखाता हूँ। एक तो तेरे भोग छपन, दूसरा माखन धरा, उसी का दूसरा माखन धरा। अब आइए हम पुनः फिर S1 तैयारी करते हैं। तीसरा खिचड़े का खाना, अब फिर वही आएगा आपका S2 आएगा, ठीक है। अब आइए पुनः हम छठवां नंबर अंतरा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले S3, एक तो तेरे साथ राधा, ये S3 हो गया। अब आइए S4 में हम तैयारी प्रवेश करते हैं। दूसरा रुक्मण खड़ी, है ना, अब ये मड़ खड़ी जो है, दूसरे जब दोबारा गाएंगे तो मड़ खड़ी में दूसरा सरगम लगेगा, जो मैंने पहले बताया था हो गया, जो मैंने S4 में बताया था सबसे शुरू में, वही सरगम इसमें लगेगा, इसे मैं बताते हुए आ रहा हूँ, जैसे दिखाऊंगा मैं। दूसरा रुक मड़ खड़ी, ठीक है। अब फिर इसका S1 और S2 तैयारी करते हैं। S1 है ना, तीसरा मीरा का आना, ठीक है, फिर वही दिल दीवाना हो गया, S2 आएगा पहले वाले। अब इसको मैं एक साथ भी गा के दिखाता हूँ, चलो। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक मन खड़ी, अब वही दूसरा इसी S4 में क्या आएगा, दूसरा रुक मड़ खड़ी दूसरा आएगा, है ना, पहले वाला नोटेशन जब इस तरह में आना है, तीसरा मीरा, ये मैंने आपको बताया। अब आइए हम सातवां अंतरा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले S3, एक तो तुम, है ना, एक तो तुम देवता हो, ठीक है, दूसरा प्रियतम में रे, ये हुआ। अब हम दूसरा प्रियतम मेरे, तो दूसरी वाला जो तम मेरे है वो अलग करना है, दूसरा प्रियतम मेरे, है ना, इस प्रकार से आया। तो अब ये आपका पूरा भजन तैयारी हुआ। शुरू का जो मैंने कहा था S1 S2 S3 S4 को जैसे तैयारी करेंगे तो सारा इसमें सेट हो जाता है। अब आइए फिर मैं एक बार S3 और S4 जो मैंने अभी सातवां नंबर अंतरा जो आपको बताया था उसको मैं एक साथ गा करके बताता हूँ। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे, है ना, अब उसी प्रकार से अब इसमें तुम मेरे अलग सा जोड़ना है, दूसरा प्रियतम मेरे,
ये हुआ। अब आइए हम पुनः S1 और S2 तैयारी करते हैं। S2 तो सेम है, बस S1। तीसरा सपनों में आना, ये S1 हो गया, फिर दिल दीवाना हो गया, पहले का आएगा। तो इस प्रकार से ये सारा जो भी जितने भी सरगम हैं S1, S2, S3, S4, इसी के माध्यम से हमने जो है सारे सरगम को हमने शब्दों में जो है सारा सजाया है सरगम को। अब इस तरह से ये भजन निकल के आएगा। कैसे हम इसको गाएंगे, एक साथ जैसे नोटेशन में है ऐसे मैं गा करके आपको बताऊंगा और फिनिशिंग बताऊंगा, है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, यू ऑल आर म्यूजिक लवर, एंड फॉर मेकिंग यू टू द इंस्पिरेशन, वी आर हियर द ब्रेसिका म्यूजिक।